पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया जाता है थ्री ब्रॉड ग्रुप्स में, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। लास्ट वीडियो में हमने बात की पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, इस वीडियो में हम जानेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के इन तीनों डिविजन्स को डिटेल से। सो लेट्स स्टार्ट। प्लेट्यू जो लाया करता है इंडिया के इस पार्ट में, उसे कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप। इस प्लेट्यू के वेस्टर्न बॉर्डर पर लाया करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न बॉर्डर पर ईस्टर्न घाट्स, और इसके नॉर्थ में लाया करती हैं सतपुरा, मैकाल और महादेव हिल्स। इस प्लेट्यू को बॉर्डर करने वाली वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहले आते हैं वेस्टर्न घाट्स पर। बेसिकली इंडिया के इस पार्ट में लाए करती हैं माउंटेन रेंजेस, जिन्हें वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। वेस्टर्न घाट्स को लोकली डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में इन्हें जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के नाम से, और केरला में इन्हें जाना जाता है अन्नामलाई और कार्डमोम हिल्स के नाम से। इनका एलिवेशन ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, और यहाँ पड़ने वाली ये रेंजेस कुछ इस तरह कंटीन्यूअस है। इन रेंजेस का एवरेज एलिवेशन अबाउट 1500 मीटर है, और इन हिल्स की हाइट नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज होती है। इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है अन्नामुदी, जो लाई करती है वेस्टर्न घाट्स के अन्नामलाई हिल्स में, और सेकेंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, जो लाई करती है नीलगिरी हिल्स में। ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स ऑरिजिनेट होती है इन्हीं वेस्टर्न घाट से, जो फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, और ऐसा होने का रीजन है स्लोप, जो हम लास्ट वीडियो में भी जान चुके हैं। मेनली इस प्लेट्यू का स्लोप वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। अब आते हैं ईस्टर्न घाट्स पर। ईस्टर्न घाट्स में लाए करने वाली रेंजेस डिसकंटिन्यूअस और काफी लो हैं। मींस यहां पड़ने वाली रेंजेस वेस्टर्न घाट्स में पड़ने वाली रेंजेस की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, और ऐसा होने का रीजन है यहां से फ्लो होने वाली रिवर्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू की मोस्टली रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से और फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए ये रिवर्स ईस्टर्न घाट्स के हिल्स को अपने तेज फ्लो से कट कर देती हैं, जिससे इस रीजन में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, और ये रिवर्स जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। रिवर्स के द्वारा इन रेंजेस को इरोड कर देने की वजह से यहाँ के ये रेंजेस कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ से फ्लो करने वाली कुछ रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा, और यहाँ पड़ने वाली कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है जावदी हिल्स, पेलकोंडा रेंजेस, नालामाला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स एटसेट्रा। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स एक दूसरे से मीट करते हैं नीलगिरी हिल्स पर। तो ये था डेक्कन प्लेट्यू। अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के दूसरे डिवीजन द सेंट्रल हाईलैंड पर। पेनिनसुलर प्लेट्यू के इस डिवीजन को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू, और इसके नॉर्थ में लाया करता है सेंट्रल हाईलैंड। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल हाईलैंड के एक्सटेंशन के बारे में। इसके वेस्ट में लाया करती हैं अरावली रेंजेस और साउथ में सतपुरा रेंजेस, जो काफी ज्यादा रिलैक्ट माउंटेन रेंजेस हैं। मेनली सेंट्रल हाईलैंड में जो भी माउंटेन रेंजेस हैं वो काफी ज्यादा इरोडेड हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये सतपुरा रेंजेस डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती हैं। ये रेंजेस कंटिन्यूअस ना होकर काफी ज्यादा रिलैक्ट हैं। मींस इन रेंजेस में बहुत से कट हैं जो हाईली ड्यूनेटेड हैं, क्योंकि इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से इन रेंजेस की हाइट कम हो चुकी है। इन रेंजेस का एलिवेशन मीन सी लेवल से 600 से 900 मीटर के बीच में है। अगर हम एक बार इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इसका कुछ पार्ट जैसलमेर के वेस्ट में भी दिखाई देता है, जहां ये प्लेट्यू कवर है बहुत सी सैंड रिजेस और सैंड ड्यून से, जिन्हें बारखान भी कहा जाता है। बारखान डेजर्ट में बने इस तरह के लैंडफॉर्म को कहा जाता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। अब ये रीजन बहुत से मेटामॉर्फिक प्रोसेस से होकर गुजरा है, इसलिए यहाँ पाई जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, जैसे कि मार्बल, स्लेट, नीज एटसेट्रा। मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली उन्हें कहा जाता है जब सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सेसिव हीट और प्रेशर में किसी और रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर इस सेंट्रल हाईलैंड रेंजेस के जनरल एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर पड़ने वाली रेंजेस का एलिवेशन मीन सी लेवल से 700 से 1000 मीटर अबव है, और इस हाईलैंड का स्लोप नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में कुछ इस तरह है। एक बार ध्यान से देखिए, अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के इस पार्ट की बात करें तो इसका जनरल एलिवेशन वेस्ट से इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह है, और इसीलिए वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होने वाली रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। बट जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के इस पार्ट की बात करते हैं, जिसे सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, तो इसका स्लोप
नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ कुछ इस तरह है और इसीलिए विंध्यास रेंजेस और कैमूर हिल से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा, केन एटसेट्रा। ये रिवर्स नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए ज्वाइन करती है यमुना रिवर को, इसीलिए ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। ऐसी ही एक और रिवर है बानस, जो ओरिजिनेट होती है अरावली के वेस्ट से, देन ये बानस रिवर जाकर मिलती है चंबल रिवर से, देन चंबल जाकर मिलती है यमुना रिवर में, एट लास्ट सेंट्रल हाईलैंड ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करता है राजमहल हिल्स तक और इन हिल्स के साउथ में लाया करता है छोटा नागपुर प्लेटू, जहां बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये था सेंट्रल हाईलैंड। अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के थर्ड डिवीजन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की तरफ। इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है और ऐसा हुआ ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक पहले से ही एग्जिस्ट करता था और पार्ट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। जब इस ब्लॉक ने ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया, देन ये टकराया यूरेशियन प्लेट से, जिस वजह से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही इस रीजन में फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग भी हुई, जिस वजह से यहाँ एक फॉल्ट क्रिएट हुआ जिसे कहा जाता है मालदा फॉल्ट। ये फॉल्ट क्रिएट हुआ राजमहल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में। इस फॉल्ट ने इस रीजन में एक डिप्रेशन को क्रिएट कर दिया और टाइम के साथ इस डिप्रेशन को फिल किया यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स के डिपोजिट्स ने। मेनली यहाँ से फ्लो होती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, जो इस रीजन में अपने सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर देती हैं, जिस वजह से ये डिप्रेशन फिल होता गया और आज हमें यहाँ प्लेन्स नजर आते हैं। और इसीलिए आज मेघालय और कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग नजर आता है। अब ये है मेघालय एंड कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू को फर्दर थ्री पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है, द गारो, खासी एंड जांतिया हिल्स। इनका ये नाम यहाँ रहने वाली ट्राइबल ग्रुप्स के नाम पर रखा गया है। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू की, तो ये मेघालय प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, बट कर्बी एंगलोंग पार्ट है असम का। अब मेघालय प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरह मिनरल रिसोर्सेस में काफी ज्यादा रिच है, जैसे कि यहाँ पाया जाता है कोल, आयरन ओर, सिलिमनाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। एट लास्ट इंडिया का ये रीजन रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल, क्योंकि मॉइस्चर लेडन विंड जो ऑरिजिनेट होती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जिसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। ये विंड सबसे पहले इस रीजन में पहुंचती है। अब क्यों? क्योंकि मेघालय में हिल्स हैं, जिस वजह से ये मॉइस्चर लेडन विंड इस रीजन में जाकर क्रैप्ट हो जाती है और इसीलिए मेघालय के चेरापूंजी में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। इसे और ज्यादा डिटेल से हम क्लाइमेट चैप्टर में जानेंगे। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से मेघालय प्लेट्यू का सरफेस काफी ज्यादा इरोड हो चुका है, मींस टूट फूट चुका है। यहाँ की सॉइल पानी के तेज फ्लो में बह जाती है और इसीलिए चेरापूंजी एक बेयर रॉकी सरफेस की तरह नजर आता है, जहाँ कोई परमानेंट वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। तो ये था पेनिनसुलर प्लेट्यू का थर्ड डिवीजन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, the northern plains and the peninsular plateau. In next video we will talk about the Indian desert. Hope you like this video. For more, do like, share and don't forget to subscribe our channel.